तड़पत मन सादाए दूर मैं तुझसे हूँ ना रब लब आना तू पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी ओए तुझे पुलिस के पास लेके जाऊं ओए दस ओए ओए साड़ी मांग की थी दस ले चल साहब के पास चल और फैसला करेंगे तुम्हें मालूम है कि लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी करना जुर्म है माई बाप उसकी मर्जी पर बैठे रहेंगे तो फिर तो दोनों ही घर में रहेंगी अब्बा मैंने ना इससे शादी नहीं करनी देख मैंने तेरी बात मानी तो अपनी अम्मा को भेज मेरे घर क्या बात है तेरी है दमदार है तू नाजिया ओए नाजिया ओए पुत्र बाहर आके देख कौन आया है जी अब्बा बाहर आ मेरा बच्चा देख कौन आया है बैठ बेटा बैठ ओए बाहर आ ओ कोई बात नहीं देख पुत्र वो खुद चल के आ गया है अब मिट्टी डाल दे मामले पे मेरा पुत्र लेकिन अब्बा मुझे ओ मेरा बच्चा बेटियां वैसे भी माँ बाप के घर की दलीज कड़ी मुड़ी टापती अच्छी नहीं लगती मेरा पुत्र मिट्टी डालो इस पे अब्बा नाजिया तो ऐसे नहीं जाएगी पहले से माफी मांगनी पड़ेगी चार लोग बिठाए और कहे कि आइंदा ये ड्रामा नहीं होगा यूं इसे पकड़ के घर से बाहर ही निकालेगा ये शाबाशे बाजू पकड़ के ओए पुत्र तू क्यों बीच में दखल दे रही है उनके घर का मामला है मेरा पुत्र चल अंदर जाके बैठ तू पुत्र देख चाचा इसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई होती है ये मेरी बीवी को पड़काती है और इसी की शय पे ये मेरे से झगड़ा करती है हाँ तेरा जो जी आए बोले और फौजिया आगे से कुछ ना कहे चुप कर नहीं तू तू उसके सामने तो बोलती नहीं है अच्छा वैसे अब बोलेगी तो फेंटी भी खाएगी वो तू हाथ तो लगा के देख मेरी बहन को फेंटी पड़ेगी ओ वाह तेरे सामने तेरी बेटी को बातें करे और तू सुन रहा है उनके घर का मामला है तू ना बोल तू तू क्यों इसमें पड़ रही अब्बा तुझे समझ नहीं आ रही तेरी बेटी पहले है उसकी बीवी बाद में है जो तेरी बेटी को तेरे सामने इतना कुछ कह रहा है पीछे क्या करता होगा अब्बा तू मुझे चुप करा रहा है देख चाचा किसी बेशर्म की वजह से मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ ये जो इसके साथ रही ना तो ये भी चौड़ हो जाएगी समझा इसको अब मुझे ना समझा अब्बा इसे समझा जुल्म बर्दाश्त करना गुनाह है खा मार इसे तुम सारे एक जैसे हो अल्लाह मेरा बच्चा जा अपना सामान लेके आ और अपने घर जा मेरा बच्चा बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं जीवन जोगी है जा मेरा जा मैं खोता रेडी लेकर आता हूं सही मारता तेरा बंदा तुझे तू है ही इससे काबिल तो तेरे पास उतनी अकल ही नहीं कि तू सोच सके तुझे करना क्या है मैंने कहा तो मेरी बात मान ली वो मुच्छड़ आया तो तूने उसकी बात मान ली है और सामान उठा के चल दी हम औरतों का ना नसीब ही यही होता है जब बाप का दिल चाहता है वो अपने कार से निकाल देता है जब शौहर का दिल चाहता है वो अपने कार से निकाल देता और रहने दे तू ये फलसफा औरतों का नसीब होता है
तुम औरतों ने ना मर्दों को खराब किया हुआ है। मैं होती ना तेरी जगह ऐसे इसकी बाजू पकड़ के बाहर निकालती जैसे उसने तुझे अपने घर से निकाला था। आया किस मुंह से है ये? अब्बा बुला के लाया उसे। बोझ बन गई अब्बे पे मैं। तो ना बन ना बोझ। अल्लाह ने तुझे भी दो आंखें दो पैर दो हाथ दिए। औरत किसी मर्द से कम नहीं है। खुद काम कर। मत पढ़ा मुझे ये पटिया फौजी। कुछ नहीं हासिल होना। वो मर्द है, कुछ भी कर ले वो ठीक है। हाँ, चाहे गलत ही करता रहे तो चुप करके सुनेगी? हाँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो सुनूंगी उसको। मेरी बच्चियों के लिए सुनूंगी। चल फिर तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है। खा मार जाके निकल। छोटी मुंडी उठ तू डेक पे गाना लगा क्या? ओए बाबा शरीफ वाला गाना लगाई मुंडे लो भाभी थोड़ा सा कुछ खा लो। भाई ने तो मेहमानों के साथ खा लिया था और तुमने कुछ भी नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो मर्जी है तुम्हारी। वैसे यही रखा है, अगर दिल करे तो खा लेना। वैसे ना भाई अब मां के पास बैठे हुए तो उनको आने में टाइम लगेगा। देख उसको ना उसकी औकात समझा दे। ज्यादा सर ना चढ़ाई उसे। पहले भी घर से भाग चुकी है, लगाम कस के रखी। ओहो अम्मा तू परेशान ना हो, तेरा बट्टा भी हीरो है। मैं जानता हूँ उन्हें कैसे रखना है। तूने दिमाग खराब किया है उसका। उसको दबा के रखना ढिल ना दे। अम्मा मैं कह रहा ना तू फिक्र ना कर। इजी ले इजी। की ले? इजी। अच्छा जो भी। पता नहीं उसने उल्लू का गोश्त खिला दिया तुझे, उसके अलावा को नजर ही नहीं आती तुझे। तो जन मरीद ना बन, मर्द बन मर्द। कैसी गल्ला कर रही है अम्मा? मैं कह रहा ना मैं तब बगैरत नहीं हूं कि मैं जन मरीद बन के गुलामी करा।
अच्छा देखा बद उसे समझा दे कि घर में कौन कौन है, किस किस की क्या हैसियत है। उसको बता दे कि माँ है, भरा है। ठीक है माँ, समझा देगा। बात सुन आबद, उसके दिमाग की आकर निकाल दे। अगर ना निकाली ना आकड़, बड़ा पछताएगा। समा ठीक है ना, तू फिक्र ना कर, अपने पेटे पर भरोसा कर, मैं संभाल लेंगा। अच्छा अब जावा। जा ठीक है, अल्लाह के हवाले। क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही है तू आज। मैं नहीं तुझसे बात कर रही, मैं नाराज हूं। कहां था अब तक तू? अम्मा नाल गल कर रहे थी, ज्यादा देर तो नहीं हुई? हाँ तुझे मेरी क्या परवाह है, मैं यहां तेरा इंतजार करके फिसल रही हूं, तू अपनी माँ के पास बैठा है। ओए बदतमीजी ने कर मेरे नाल। तू ये मुझसे किस तरह बात कर रहा है आबिद? वो जिस तरह तू मुझसे बात कर रही है आबिद, मैं तो तुझे बस कर दे, बीवी है तू मेरी, उस तरह मुझसे फिर बात की ना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस कर दे। क्या हुआ है, रोकर बैठी है? रोए मेरे दुश्मन, मैंने क्यों रोना है? तो फिर शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं तेरे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर छोड़ने की उदासी है शायद। हाँ ऐसे तो फिर होता है, रात तेरी माँ भी बड़ा रो रही थी। हमार रो रही थी? अच्छा माँ है, दुख तो होगा उसे। दुख के नहीं खुशी के आंसू है। खुशी के? हाँ जाहिर है, बेटी का बोझ जो उतर गया कंधे से। तू भी ना माँ की मोहब्बत पे शक नहीं करते हैं? माँ की मोहब्बत तो बड़ी चीज होती है, इसे धोखा नहीं समझते। ये दुनिया है, यहाँ बड़े बड़े धोखा दिए जाते हैं।
किसने धोखा दिया है तुझे? कैसी बातें कर रही है तू? कुछ नहीं। अच्छा चल आना, हम तेरे लिए नाश्ता लेकर आए। तू बैठ उनके साथ बाहर, मैं आ रही। जल्दी से आ जाना। ठीक है, बुढ़ी सास को नाश्ता नहीं कराना, ना कराए, और कम से कम अपने मियाँ को तो कुछ खुआ दे। देख अम्मा, मैं कह रहा कल तो रोज उठेगी तो नाश्ता ही बना दूँ। उठ जा, सारा दिन मुर्दों की तरह पड़ा रहेगा, उठ जा। जान उठ जा, 10 बज गए ने। बहुत नींद आ रही है, सोने दो। ओ अबद, उठ के दुकान खोल। देख मैं तैयार होकर दुकान खोलने जाना है, मैंने नाश्ता दे बना दे। कल सुबह बना लूंगी ना, बहुत नींद आ रही है, सोने दो। ओ उठ जा। प्यार से गई तो और क्या कहूंगा आगे से। चल ठीक है, मैं बाहर से कुछ खा देता हूँ। अच्छा सुन ना, शाम को जल्दी आ जाना, घूमने चलेंगे। ठीक है, तैयार है ना, मैं आ जाऊंगा। ओ आबद, आ रहा हूँ माँ। चल आ जा शाबाश, जल्दी कर। चल उठ तो गया है। आ गया माँ। आबद, तुझे पता है कितने दिनों बाद तू दुकान खोल रहा है आज? पता है, लेकिन कसम से आज के बाद रोज जाऊंगा माँ, मेरा वादा। तेरे भरा के खून पसीने की कमाई है जो उसने तुझे भेजी है दुकान के लिए। यार ना माँ, वैसे तू भी कमाल करता है, आधी से ज्यादा चीजें तूने बेच के खा ली है, जो बाकी रह गई उन्हें तो संभाल ले। एक तो कमाल हो गए, इतने दिन हो गए शादी को, अभी तक दूल्हा बना फिर रहा है। अम्मा मैं कह रहे हैं कल तो रोज जाऊंगा, बस तू नाराज ना हो। देख आबद, मुझे रोज रोज दरवाजा खटखटाना अच्छा नहीं लगता। कमाल करता है, और जो तेरी बीवी है मरानी, उसको क्या उठा करे सुबह, सारा दिन लम्मी तान के सोई रहती है। उठ के तुझे को नाश्ता नुश्ता कराए। ओ चल ठीक है, बुढ़ी सास को नाश्ता नहीं कराना, ना कराए, और कम से कम अपने मियाँ को तो कुछ खुआ दे। देख अम्मा, मैं कह रहे हैं कल तो रोज उठेगी तो नाश्ता ही बना दूँ, मैं तू नाराज ना हो। चुप कर जा, तुमने ख्याल रख रही ना, दवाई खा रही है। अच्छा अच्छा, मक्खन ना ला। मक्खन नहीं ला रहा। चल जा जा, जल्दी आऊंगा। रब राखा। रब राखा, लानत ऐसी जिंदगी पर, सारा दिन सुते रहो, हद हो गई, ना को काम ना को काज। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। उठ गई है तू? क्या लच्छन है तेरे भाई, कमाल हो गई,
और तूने घर भी बसाना है लड़की? ऐसा क्या किया अम्मा मैंने? पूछती है क्या किया है? 15 दिन बाद मियाँ गया दुकान खोलने, इतना नहीं हुआ कि उठ के उसे नाश्ता ही करा दे। देख मियाँ को पैरों में बिठा के नहीं रखते, ऐसी औरतें अच्छी नहीं होती। मैंने कब बिठाया अम्मा उसे? वो तो है ही काम चोर, और तू उसे दुकान पे नहीं जाने देती। मैंने कब रोका उसे? और रोकती नहीं है तो भेजती भी तो नहीं है ना, से धक्के मार के भेज जाए दुकान पे बैठे। चल सही है, आइंदा कह दूंगी। आज भी मैंने उसे उठाया है, दुबई से वापस आ गया। हड आराम ना होता तो दुबई से वापस ना आता, निकम्मा गई का। चाय बनाने लगी हूँ, पीनी है? हाँ बना दे, सब्जी भी बना दे बाद में। और हाँ चाय पे ना चीनी ना डाली, अच्छी सी बनाई। अच्छा अच्छी लग रही खाना बनाते हुए। अच्छा सुन, ये यखनी मिला के ना अम्मा को खिला देना, ठीक है? मैं यूँ गया यूँ आए। सुनना आबिद, अब खाना भी बनाना पड़ेगा मुझे। मत बना, थोड़ी दाल भात बना देना चलेगा, ज़्यादा पकना डाले। अच्छा सुन, रोटियाँ लेते आई हूँ, वो नहीं मुझसे बनी। अरे तेरे लिए कुछ भी ले आऊँ, मैं ले आऊँगा। पालन तो बना लेना। बना रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। हमें यखनी पी ली? नहीं। तूने यखनी बनाई है? जी, अच्छी नहीं थी। कौड़ी जहर, गले से नीचे नहीं उतरी है। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, घर में कभी खाना ना बनाया अम्मा, अम्मा ही बनाती थी। माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया तुझे? हाँ बातें करनी सिखा दी बड़ी। चल क्यों फिक्र कर रही है, ऐसा ऐसा सीख लूंगी ना मैं। मेरा पुत्र आबद है ना, उसे बहुत अच्छा खाने की आदत है, तू खाना पकाना सीख जा। मेरी बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं। अभी तू जा, जाके खाना बना। मैं बात सुन जी, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। गुलाबो क्या कहती है? क्या आज रात बाहर चलें? हाँ चल, फिल्म देखने चलते हैं। चल ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, तैयार है। पर तो अम्मा को ना बताइयो, उन्हें पता चलेगा ना नाराज होंगी, कोई बहाना कर देना। ओ ठीक है, कह देंगे तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाना। झूठ बोलेगा मेरे लिए? सुनिए तो माँ के देख, तेरे लिए कुछ भी कर सकता। सच्ची मुच्ची? देख मैंने काम पर जाना है। तू जा काम पे, वैसे भी तुझे देर हो रही है। ऐसे कैसे जाऊँ? अच्छा अम्मा से मिलके जाएगा अम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक जा रहे हैं, तैयार हैं, जल्दी आऊंगा। हाँ अच्छा सुन, कबाब पराठा खिलाएगा ना? ठीक है जो भी तू बोल। वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम आबद, आ गया ख्याल माँ का? तब करें ख्याल जब माँ मर जाएगी तो।
वो कैसी बातें कर रही है? खैर तो है अले, कोई बातें कर रही है जो तो सुनना नहीं चाहता। जब से तेरी शादी हुई है ना, माँ को तो भूल ही गया बिल्कुल। मेरी तबीयत इतनी खराब है, दवाई खत्म हुए हफ्ता हो गया। तुझे पता है तूने मुझे अस्पताल लेके जाना था शेर। माँ माफ कर दे, गलती हो गई, भूल गया। चल कल चलते ने। आज क्यों नहीं, कल क्यों? आज ते माम, चल ठीक ठीक है, आज चलते ने। तू तैयार है? हाँ मैं आ जाऊंगा। चल ठीक, बोलना नहीं। तू तैयार है? आज जल्दी आ जाऊंगा, बोलना नहीं। अल्लाह हाफिज। गुलाबो, नाराज है? तुझे इससे क्या है? तुझे मेरी क्या परवाह है? ये ऐसा ना कह, मुझे परवाह है, मेरी बीवी है तू। अच्छा याद आ गया तुझे मैं तेरी बीवी? देख तू जानती है माँ की तबीयत बहुत खराब थी, एक हफ्ते से दवाई भी नहीं थी, नहीं लेके जाता और तबीयत खराब हो जानी थी ना। तो मुझसे वादा क्यों किया था? फिल्म देखने जाएंगे। वो जाने दे, वो फिल्म फिर कभी देख लेंगे, कहाँ उतरनी है। चल वो साथ उठ गए। झूठा है तू, आप बात ना कर। देख माफ कर देना, फिर नहीं होगा। तो देख तो सही, मैं तेरे क्या लाया हूँ। देख मैंने माँ का ख्याल भी रखना ना, ऐसा ना कर। चल ऐसे अच्छी नहीं लगती तू, ये ले ये देख। मुझे नहीं देख। मेरी जान मत करना, चल आ चल, ये ले, अच्छी नहीं लगती गुस्से में, ले देख दे। देख तेरी पसंद की चीज लाया। क्या लाया? देखते सही, खोल। मैंने देखे, खोल खुद दिखा। मैं नाराज। देख ले, देखा ना? वैसे बड़ा गंदा है तू। फिल्म देखने जाएंगे, सारा दिन इंतजार करती रही मैं, आइंदा करेगा ऐसा? माफ कर देना, देख फिर नहीं होगा। और क्या लाया? देख तुझे क्या लाया, तेरी पसंद की चीज है। हाय सब खेल रहा हूँ। नहीं पसंद आया तुझे? बहुत। सुन आबिद, मुझे किसी ने कहा मरी बड़ा प्यारा है, लेके चलना। चले? बिल्कुल चलेंगे, सैर सपाटा हो जाएगा। तू तैयारी कर, मैं पैसे का इंतजाम करता। आज की तरह तो नहीं करेगा। देख आबिद तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो आजमा के देख। कसम का? चल काली ये ले। पक्का? पक्का। लेके जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबा दे। ठीक है चल रहे हैं ना? खाना लाओ। लगा दो। आइंदा ना करियो ऐसे। तो खुश रहा कर। तो खुश रखा करना। ये क्या? आजा 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 आजा। नहीं फौजिया तो खुश तो है ना? अम्मा तो देख नहीं रही मैं कितनी खुश हूँ। आप इतने बड़ा अच्छा रखा हुआ मुझे। Yes, लग गया। चल अच्छी बात है। क्या याद करें? वैसे वो दूसरे मर्दों से जरा वखरा है। बहुत ही अच्छे अम्मा। ओ तूने किस चक्कर में पांच फेंके हैं? नहीं फौजिया आके बैठ जा मेरे पास। देख रही हूँ है, नजर भर के देख तो लूं तुझे। तो नाराज तो नहीं है ना अम्मा? और चलिए माए भी कभी अपनी बेटियों से नाराज होती है। ओए, 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 चार चार फेंकने दे, चार। बस कर दे, मुझसे बातें कर तू है।
बाजी तू ये भी लेकर जाएगी? हाँ यही तो लेने आई हूँ मैं। ये देख कितना प्यारा सूट है ना, मैं सोच रही ऐसा बनवाऊँ इस बार। ये तो कोई अच्छी चीज नहीं, ऐसा ना हो आबिद भाई को बुरा लग जाए। आबिद को क्यों बुरा लगेगा, उसे शादी से पहले ही मैंने बता दिया था, बल्कि ये सब आबिद ने तो ला के दिया है मुझे। चलो और भी है अंदर से लेकर आ। अच्छा लाई। लाल रंग की चूड़ी है तेरे पास? हाँ जी बिल्कुल है। दो नंबर साइज है। दो नंबर ही है। किस्मत अच्छी है आपकी, एक ही पीस रह गया जी। I love you. तू पहना दे। क्यों ना इधर आ? Ruby. वाह प्यारा नाम है। छोड़ दे हाथ मेरा। सॉरी। अच्छा बताओ कितने पैसे दूँ? नहीं दे, ऐसे बुरी की बातें ना कर। तोहफा दे रहा है मुझे? नहीं समझ ले। ना जी ना, मैं किसी ऐरे गैरे से कोई चीज नहीं लेती। ऐरे गैरा कौन है? तू और कौन? देखें जी, ऐरे गैरे के हाथ में इस तरह हाथ नहीं देते। बड़ा चलाक है तू, शोखी कर रहा है। अच्छा बताना कितने पैसे दूं? दे, पहली बार आई तू तो फंस मत। दूसरी बार आऊंगी तो कुछ नहीं देगा। तो आके दिखा फिर देख क्या होता है। चल जा रही हूँ।